नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां हनुमान जोड़ी धाम में त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर द्वारा युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में आज मंगलवार को हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में समान समारोह तथा श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पावन सानिध्य महंत चरणदास जी महाराज का रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उन्होंने कहा कि अपने परंपराओं को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम निरंतर किए जाने चाहिए। हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े ऋषि, महान ऋषि, तत्ववेत्ता, तत्वज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी का आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन चल रहा है उसके तहत हमने, क्योंकि हमारी प्रेरणाओं को बचाने के लिए, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए, हमारी जो अच्छे विचारों को बचाने के लिए रामायण बहुत लाभदायक है और इनके द्वारा लिखी गई रामायण के माध्यम से समाज में किसी कहीं ना कहीं एक सद्भावना का, एक समभाव का कार्यक्रम चलता रहता है और भाव बना रहता है। तो इसलिए ऐसे ऋषियों को, ऐसे महान पुरुषों को याद करना, उनके गुणगान गाना बहुत ज़रूरी है। जयंती के इस अवसर पर हमने उन लोगों को भी सम्मानित किया है जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो युवा काम कर रहे हैं, जो समाज सेवी, चाहे वो रक्तदान का हो, चाहे स्वच्छता का अभियान का हो, चाहे पौधारोपण का हो, चाहे अन्य अन्य जो भी सेवाएं हैं जो समाज में भिवानी में चलते हैं, उनमें जो काम करें उन बच्चों को सम्मानित किया, उन युवाओं को सम्मानित। श्री वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर हमारे महंत श्री चरणदास जी महाराज पिछले 3 दिनों से लगातार आज यज्ञ का आयोजन और जो बच्चे यहाँ पर स्काउट के बच्चे हैं उनको सम्मानित और जो रक्तदाता हैं उनको सम्मानित और समाज में जितने भी और अच्छे कार्य करते हैं सबको महाराज जी द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई भी प्रोग्राम हो तो हमारे महाराज जी मतलब 365 दिन के दिन ये वो काम करने का कार्य करते हैं और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस भिवानी के विकास के लिए और जन कल्याण के लिए जो हमारे गुरु जी जितना भी अपने दिल से सेवा करते हैं, मैंने शायद ऐसा पहली बार देखा है, क्योंकि इतने संत के रूप में 24 घंटे निरंतर सेवा करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो हमारे गुरु जी को बधाई देता हूँ। वहीं वाल्मीकि मंदिर में भी तत्ववेत्ता महर्षि वाल्मीकि का प्रकट दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय हनुमान गेट स्थित वाल्मीकि धर्मशाला में वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के उप चेयरमैन मामन चंद जी उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महर्षि वाल्मीकि एक जाति के ना होकर बल्कि 36 बिरादरी के महाराज है तथा उनके द्वारा राजा रामचंद्र के जीवन का चित्रण किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से महर्षि वाल्मीकि के नक्शे कदम पर चलने की बात भी कही तथा कहा कि सभी जाति के लोग एक समान है तथा किसी भी जाति वर्ग के लोगों के साथ जाति भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि प्रकट दिवस पर पहुंचे, इस बारे में क्या कहेंगे? इस प्रकार समाज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर वो यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया गया है हनुमान गेट वाल्मीकि बस्ती में। और महर्षि भगवान वाल्मीकि जिन्होंने रामायण का 1000 साल पहले जो इतिहास रचा था, मेरे को आज पता लगा, हमारे बुजुर्गों ने बताया, तो मैं तो महर्षि वाल्मीकि को नतमस्तक प्रणाम करते हुए की बात कहना चाहता हूँ और समाज के लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और संगठित रहे, संघर्ष करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे और जो आज जो वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर ये किसी जाति विशेष के लिए समस्त जाति के भगवान होते हैं। प्रकट दिवस है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये नौजवान साथी हमारे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को रचा और मामन चंद जी को इनवाइट किया, वो हमारे बीच आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी काफ़ी संस्थाओं ने, जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया है कि वाल्मीकि भगवान जो है सभी बिरादरियों के हैं, किसी एक के नहीं है, उनके माध्यम से बजरंग दल है और कई संस्थाएं हैं जिन्होंने वाल्मीकि प्रकट दिवस की जो मना रहे हैं और मनाया जा रहा है। आगामी 24 अक्टूबर को ठाकुर वीर सिंह जयंती समारोह का आयोजन पूरे जोर शोर से किया जाएगा। ठाकुर वीर सिंह फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। वहीं साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अनेक मंत्री भी उनके साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
भिवानी के शकुंतला गार्डन में 24 अक्टूबर रविवार को सुबह प्रातः 10 बजे ठाकुर वीर सिंह जयंती समारोह का आयोजन ठाकुर वीर सिंह फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भारत सरकार रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, समारोह शिरोमणि राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री भारत सरकार, भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, भिवानी के विधायक श्री घनश्याम दास सराफ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में रहेगी। वहीं ठाकुर विक्रम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि 24 अक्टूबर 2021 रविवार को प्रातः 10 बजे ठाकुर वीर सिंह फाउंडेशन के द्वारा ठाकुर वीर सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राव साहब दिग्विजय सिंह के पाटन में रहेगी। उन्होंने बताया कि ठाकुर वीर सिंह का जन्म 24 अक्टूबर 1924 को हुआ था तथा उसके बाद उन्होंने एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में कार्य भी किया। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले, सभी जाति के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आने वाले 24 अक्टूबर रविवार को ठाकुर वीर सिंह जन्म जयंती समारोह शकुंतला गार्डन भिवानी में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ठाकुर साहब को जैसा आप सभी जानते हैं 1924 को 24 अक्टूबर को जन्म उन्होंने लिया था और उसके बाद से उन्होंने शानदार वकालत की। किस प्रकार से मंत्री पद रहते हुए बहुत से अनेकों कार्य किए थे, उन्हीं को याद करने के लिए, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए यह समारोह मनाया जा रहा है। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरी 36 बिरादरी से, क्योंकि ठाकुर साहब 36 बिरादरी के नेता थे। इस समारोह में मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह जी होंगे और उनके साथ ही समारोह शिरोमणि राव इंद्रजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री होंगे और समारोह की अध्यक्षता पाटन के राजा दिग्विजय सिंह जी करेंगे। हमारे लोकप्रिय सांसद धर्मवीर जी शिरकत करेंगे, साथ ही हमारे विधायक घनश्याम सराफ होंगे, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी होंगे और अनेकों नेता इसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना है कि इन सभी भी नेताओं के विचार सुनने के लिए और आप इन अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रविवार को 24 अक्टूबर को भारी संख्या में पहुंचे। सरसों की बिजाई के लिए एसएसपी उपयुक्त खाद है। ये बात कहते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि सरसों की लगभग 3 एकड़ बिजाई के लिए डीएपी का एक बैग यानी कि 23 किलो फास्फोरस उपयुक्त होता है, जबकि कई बार किसान अधूरे ज्ञान की वजह से ज्यादा प्रयोग कर जाते हैं जो कि आर्थिक नुकसान के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार सरसों की बिजाई के लिए एसएसपी उपयुक्त खाद है, क्योंकि इसमें 16% फास्फोरस के साथ साथ 12% सल्फर भी होता है जो फसल की गुणवत्ता व पैदावार को बढ़ाता है। विभाग ने किसानों को सरसों की बिजाई के समय डीएपी की बजाय एसएसपी खाद का ही प्रयोग करने की सलाह दी है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने बताया कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिशों के अनुसार सरसों की फसल को 8 किलो फास्फोरस प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है जो कि एक बैग एसएसपी प्रति एकड़ डालने से पूरा हो जाता है। डीएपी के एक बैग में 23 किलो फास्फोरस होता है जो कि सरसों की लगभग 3 एकड़ बिजाई के लिए पर्याप्त है, परंतु यह देखने में आया है कि सरसों की बिजाई में हमारे किसान भाई 2 एकड़ में ही एक बैग डीएपी डाल देते हैं जिससे किसानों का व्यर्थ में ही धन खर्च हो जाता है तथा खाद की मात्रा भी अधिक डाली जाती है जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रबी फसलों की बिजाई जोरों पे है, इसलिए आजकल डीएपी के लिए थोड़ी सी मारामारी हो रही है। ज़्यादा शॉर्टेज तो नहीं है पर कुछ शॉर्टेज है। इसमें किसान भाइयों से एक निवेदन है कि आप डीएपी के पीछे ही क्यों भाग रहे हो, डीएपी की जगह सरसों की बिजाई में खास करके एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करें, क्योंकि एसएसपी खाद में फास्फोरस होता है जो डीएपी में 40% होता है, वही इसमें 16% होता है। और डीएपी के एक कट्टे की कीमत जहाँ 1200 रुपये है, इसके एसएसपी के एक कट्टे की कीमत आपकी 300 रुपये है। तो अगर 3 बैग भी आप इसमें डालोगे तो 3 बैग में आपको डीएपी से ज़्यादा फास्फोरस मिलेगा और साथ में आपको सल्फर भी मिलेगा। इसमें सल्फर भी 11% होता है, तो 3 बैग अगर आप डालते हो तो इसमें आपको लगभग 16 किलो सल्फर मिलेगा और आपको 24 किलो फास्फोरस मिलेगा और टोटल कीमत आपकी होगी 900 रुपये तो इसकी एसएसपी की होगी। और आपकी एक बैग आप यूरिया डालते हो तो आपको यूरिया भी इसमें 23 किलो यूरिया मिलेगा, तो आपकी यूरिया की 266 रुपये और 900 रुपये एसएसपी की कीमत, तो आपकी 1166 रुपये होती है और डीएपी के एक बैग आपको 1200 रुपये मिलते हैं।
तो डीएपी से कहीं बेहतर खाद आपको ये मिलेगी। और तेल वाली जो भी फसलें हैं उसमें एसएसपी खाद डालना बड़ा ज़रूरी है, क्यों एसएसपी में आपको सल्फर अतिरिक्त मिलता है और सल्फर तेलीय फसलों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इसकी दाने की चमक बढ़ाता है और इसका उत्पादन भी आपका 2-3-4 मण प्रति एकड़ बढ़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि डीएपी को छोड़कर आप एसएसपी खाद प्लस में यूरिया एक बैग यूरिया और 3 बैग एसएसपी खाद के प्रयोग करें प्रति एकड़। हम एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं उसमें 1.5 कट्टा मतलब है 1 एकड़ में करीब, और कुछ यूरिया भी मिलाते हैं करीब 0.5 कट्टा उसमें मिला देते हैं, तो उससे हमारे फसल में काफ़ी फायदा होता है। जो फसल बिना इनके होती है उससे कम 1.5 गुना फसल इसके डालने से एसएसपी के डालने से हमारी तैयार हो जाती है। इससे फायदा भी है, ज़मीन में कोई नुकसान नहीं आता इसका, इसे का अच्छे फायदे हैं, आगे के लिए भी सुधार होता है। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं मंडाना गांव से आया, मैं कृषि करता हूँ, 10 एकड़ में सरसों लगाता हूँ, 3 साल से मैं एसएसपी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बढ़िया पैदावार होती है, सरसों के तेल की क्वालिटी बढ़िया होगी। तो इन दोनों का रेट में क्या फर्क है? रेट कब 350 का आता है एसएसपी का एक बैग, डीएपी आता है 1200 रुपये का, तो काफ़ी अंतर है इसे। 1 एकड़ में 1.5 बैग एसएसपी का डालते हैं, 20 किलो यूरिया डालते हैं, बढ़िया फसल होती है। मैं एसएसपी बोता हूँ, डीएपी कभी नहीं बोता, और उसके साथ 1.5 कट्टा एसएसपी 0.5 कट्टा यूरिया, और ये फुल काम करता है सरसों में, डीएपी बंद कर रखी है बिल्कुल, और ये बढ़िया फसल देता है, 20 से 25 मिनट तक की पैदा देता है। करीब 1.5 साल से मैं एसएसपी 0.5 कट्टा यूरिया यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, साथ में उर्वरा शक्ति ज़्यादा बढ़ रही है और रेट में भी काफ़ी अंतर है, डीएपी से 350 रुपये कम है जी। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते खाड़ी मोहल्ला वासी काफी परेशान नजर आए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में जहां पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, वहीं सीवरेज समस्या ने भी उनका जीना दूभर किया हुआ है। इतना ही नहीं, क्षेत्र की सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे उनकी समस्याओं को सोने पर सुहागा जैसा काम कर रहे हैं। भिवानी के खाड़ी मोहल्ला के निवासियों को सीवरेज व पानी की समस्या से पिछले कई महीनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों इस क्षेत्र में सीवरेज का कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन ठेकेदार के ढुलमुल रवैये के कारण कार्य की गति बड़ी धीमी है, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पिछले दिनों सीवरेज व पानी की समस्या को लेकर ठेकेदार के द्वारा कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कार्य की गति धीमी होने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्य के चलते क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सीवरेज व पानी की समस्या बनी हुई है और क्षेत्र में सीवरेज व पानी की लाइनों का कार्य चलने के कारण सीवरेज और पानी की व्यवस्था ठप हो गई है और इसके साथ क्षेत्र में इस कार्य के चलते बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं और इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे अब मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिससे क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया भी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं क्षेत्रवासियों ने यह भी बताया कि गड्ढे होने के कारण राहगीरों को भी अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई नागरिक इन गड्ढों में गिर चुके हैं, जिससे उनको काफी चोटें भी आई हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और सीवरेज व पानी की व्यवस्था को ठीक किया जाए, ताकि क्षेत्रवासी राहत की ले सके। बाबा हरिगिरी मठ महंत बाबा बंसीगिरी, हमारे इस शिविर का 2 महीने से काम चल रहा है, कभी 2 दिन चलता है, कभी फिर रुक जाता है, फिर कभी रोक देते हैं और इसको ठीक नहीं कर रहे, काफ़ी दिन हो गए, और 6 महीने पहले सड़क को पाड़ी थी और अभी तक ये काम ऐसे पड़ा है। और 20 दिन से तो अलवास गेट पे शिविर वो पानी की जो लाइन है वो ख़राब हो रही है, उस वाल को ठीक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरे इस मोहल्ले वाले दुखी हो रहे हैं और परेशान हैं, जल्द से जल्द ये काम करवाया जाए। 2 महीना से समस्या है पानी की, इसलिए बहुत दुख पावा में, सिविल लाइन खराब है। हाँ, बालकृष्ण नाम है भाई मेरा, बाड़ी मोहल्ले में रहने वाले हम, 2 महीने से के नाम हमारे पानी नहीं आ रहा, ना सीवरेज लाइन का व्यवस्था सही ढंग से है, जो ये पानी की लाइन बिछाई गई है तो वहाँ से वो नीचे से मोड़ से ऊंची नीची कर दी लाइन, वो अब हमारा लास्ट में मकान पड़ता, कैसे आएगा पानी हमारे घर, और ये सीवर लाइन का फोड़ रखा ना, तो यहाँ से आने का रास्ता छोड़ रखा, कितनी बार ठेकेदार को कह दिया
कितनी बार उसको पानी वालों को कह दिया भाई व्यवस्था तो बना दे कम से कम इधर ताड़ झाड़ की, मंदिर में आदमी आस के जास के कोई इधर ना तो आदमी इधर सास के ना कोई जास के। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। दो महीने से पानी का बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं है, गड्ढे खोद रखे है गलियों में, हाल से बेहाल हो रहा है, महिलाएं पड़ जाती है, मंदिर में आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवर खोद रखे है, नहीं एमसी भी नहीं सुन रहा है। मैं 10 बार जाया सीएम विंडो में कंप्लेंट करवाया और मैंने सुमित ठेकेदार को भी कह दी, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पानी की समस्या है भाई, 20-25 दिनों का पानी नहीं आ रहा, सीवर लाइन सब कुछ फोड़ कर गिर रखा है और पानी बिना दुखी हो रहे सब, कहते किसी का पानी नहीं मिलता दुख पानी खातर, या सीवर लाइन भी नहीं बनी से पानी की लाइन भी नहीं चाह रही। बाड़ी मोहल्ला निवासी, यहाँ 2 महीने से सीवरेज और पानी की का काम चल रहा है, पानी की 20 दिन से लाइन तोड़ दी और उसके बाद में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, सुबह उठते ही पानी चाहिए, सबसे मेन बात तो ये है। सीवर है वो तोड़ के लोगों ने घेर दिए, कहाँ जाए मतलब, और ठेकेदार से बात करते हैं तो ठेकेदार प्रॉपरली मतलब न तो उसकी लेबर आ रही न प्रॉपरली काम हो रहा है, इसलिए काम डिले भी मतलब जो हो रहा है। आगे मोड़ के ऊपर एक इनने मतलब पाइपलाइन डाली है, उस पर 3 फुट ऊंची टी लगा दी, तो 3 फुट ऊंची टी लगाने के बाद में आगे पानी कहाँ से आएगा उस लेन से आगे। फसलों के अवशेष ना जलाने को लेकर आज एक कार्यशाला का आयोजन नगर के पंचायत भवन में किया गया। इस कार्यशाला में पहुंचे किसानों को अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष जानकारियां दी गई, जबकि पॉजिटिव बात ये रही कि ये किसान अब वायु गुणवत्ता सूचकांक को भी समझने लगे हैं। भिवानी में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान भिवानी जिला के उप कृषि निर्देशक डॉक्टर आत्माराम गोदारा व एडीओ डॉक्टर अनिल बिबियान ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य जिले के किसानों को गेहूं, धान व अन्य फसल अवशेष ना जलाने को लेकर किया गया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक मशीनों रोटोवेटर, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल आदि मशीनों का प्रयोग करके किसान फसलों के अवशेष का प्रबंधन 2 तरीकों से कर सकता है। पहले तरीके में फसल अवशेषों को काटकर जमीन के अंदर दबाकर खाद बनाने के रूप में तथा दूसरे फसल अवशेष के बंडल बनाकर उनका प्रयोग गत्ते, फट्टे व पशु चारा बनाने में कर सकता है। इससे फसल अवशेष के उचित प्रबंधन से किसानों का प्रति एकड़ उत्पादन 5 से 7 मन बढ़ता है तथा वातावरण भी स्वच्छ रहता है। इसके लिए अब तक भिवानी जिले में 470 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें 50 से 80% सब्सिडी पर दी गई है तथा जो किसान मशीनें नहीं खरीद सकते वे जिले में बनाए गए 10 कस्टम हायर सेंटर से किराए पर लेकर प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जिले के किसानों ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला से उन्हें गेहूं व धान के भूसे सहित अन्य फसलों के अवशेष के उचित प्रबंधन की जानकारी प्राप्त हुई है तथा वे भविष्य में फसल अवशेष को जलाने के बजाय उनका प्रयोग भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में करेंगे। ये कार्यशाला लगाई गई जी, बहुत ही अच्छा लगा। जो अवशेष फूक्या करते जैसे जमींदार पराली वगैरह फूक्या करते, अब हम आगे के लिए नहीं फूकेंगे और बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ कर आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत खराब होता है, इसलिए आगे के लिए हम आग वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, इससे गत्ते बनाएंगे और कुछ भी बनाएंगे, हम इसको जुताई करेंगे साथ साथ में लेकिन आग नहीं लगाएंगे। और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और इस टाइम जो बीमारियां चल रही हैं खेती के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। क्वालिटी इंडेक्स का हम प्रयोग करेंगे, मतलब हम समझ लग गया कि भैया क्या चीज़ हो है। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब ने बताई आग भाई पराली हम नहीं फूकेंगे, नहीं फूकेंगे पराली को, पराली फूकने से हमारा नुकसान है ज़्यादा, फसल में जो फायदे वाले कीड़े हैं वो मर जाए हैं, प्रदूषण फैला है और जो हमारी फसल बढ़िया ढाल नहीं उगती बात के है पराली फूकने से। इसमें पराली को या तो भाई कहीं गत्ते बनाने में यूज करो या कहीं और कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत जगह हैं यूज करने के लिए, इसको गड़ा के खाद भी बना सकते हैं मतलब काट के। इससे एक दिवसीय फसल अवशेष प्रबंधन ट्रेनिंग थी किसानों की, तो हमारे गांव जिले के अंदर 5 गांव ऐसे हैं जो येलो जोन में है, उन 5 गांव में पिछले साल तो सिर्फ 1 गांव में एक जगह आग लगी थी और उससे पिछले साल इन 5 गांव में 3-3, 4-4 जगह आग लगी थी, इसलिए 5 गांव को सेंसिटिव माना है सरकार ने और विभाग ने, इसलिए इन 5 गांव के 50+ किसानों को बुला के हमने आज 250 किसानों को एक ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान पराली धान की हो चाहे गेहूं का भूसा हो चाहे किसी भी टाइप का फसल का अवशेष हो उसको जलाए ना, उसको कम से कम काट कर नाने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट के ज़मीन में मिलाए, ये एक्स इन सिटू प्रबंधन करे। इसका क्या है, पराली और जो भी अवशेष है उसके 2 तरह के प्रबंधन होते हैं, एक तो एक्स सिटू है,
एक इन सिटू का मतलब उसको काट बाट कर जमीन में मिलाना, और एक सिटू है उसको काट कर बाहर खेत से बाहर इसका प्रबंधन करें। तो हम किसानों को यही आग्रह कर रहे हैं किसान भाइयों से कि इसको अगर आप काट के ज़मीन में मिलाओगे तो आपका क्या ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, जिससे आपका उत्पादन प्रति एकड़ 5 से 7 गुना आपका बढ़ेगा, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। दूसरा, आपका वातावरण है वो दूषित नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने 4 दिन पहले देखा था हमारे पानीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद में जो एयर इंडेक्स है हमारा बहुत ऊंचा हो गया था, लगभग 400 के आसपास पहुंच गया था। अब ये बारिश हुई है, बारिश से थोड़ा मौसम वातावरण ठीक हुआ है। तो हम ये चाहते हैं किसान भाई इसको ना जलाएं, क्योंकि पंचायत घर में इकट्ठा हुए थे, हमने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा था, जिसके अंतर्गत जितने भी धान उपजाऊ जमीन है जहाँ जहाँ, जैसे चांग, मुंडाड़, ये सभी गांव येलो जोन में रखे गए हैं। येलो जोन होता है जिसके अंदर पीछे कोई वारदात हुई है आगजनी की। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है, जिसको घटाने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए जाएं। इसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयत्न किए हैं, किसानों को जितने भी कृषि यंत्र हैं उन सब पे छूट दी जा रही है, इसके लिए जागरूक किया जा रहा है किसानों को, जिन्होंने भी पीछे कैंप लगाए गए हैं, जिन किसानों ने मान लो ये कोई वारदात हुई है उन गाँव में, तो उसमें पीछे येलो जोन के अंतर्गत जितने भी कृषि यंत्र दिए गए थे, जिन्होंने भी अप्लाई किया है सबके वो स्वीकार किए गए हैं। उनमें प्रबंधन बनता है सर, इसका प्रबंधन कोई किसान कैसे करेगा? इसके लिए कृषि यंत्र जो दिए गए हैं उनको अपनाकर, जैसे बेलर है, बेलर में गांठ बना सकता है, ऑफ सीजन में उसको बेच सकते हैं हम, और जो टुड़े की समस्या है उससे भी निपटारा हो सकता है। या इसके अलावा कि CHC सेंटर बनाए गए हैं हर लगभग 2-3 गांवों के आसपास, भिवानी के जो गांव हैं इनमें CHC सेंटर बनाए गए। मान लो कोई किसान पे नहीं कर सकता, ज़्यादा यंत्र नहीं खरीद सकता, तो उसको वहाँ पे सरकारी रेट पे किराए पे मिलेंगे CHC सेंटर में। कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए वार्ड नंबर 13 को लंबा और तिरछा करवा दिया है। ये आरोप लगाते हुए वार्ड के प्रधान हंसराज ने क्षेत्रवासियों के साथ जिला उपायुक्त और ईओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर उन्होंने वार्ड नंबर 13 की वोटर लिस्ट ठीक करवाने की मांग की। स्थानीय वार्ड नंबर 13 की वोटर लिस्ट को ठीक करवाने के लिए क्षेत्रवासियों ने प्रधान हंसराज के मार्गदर्शन में CM विंडो के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपायुक्त व SDM के माध्यम से EO को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रधान हंसराज ने बताया कि कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए वार्ड 13 को लंबा व तिरछा करवा रहे हैं, जिससे वार्ड के लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि वार्ड 13 में वार्ड 12 व 14 के कई इलाकों को शामिल कर दिया है, तथा जो एरिया पहले वार्ड 13 में आता था उसे वार्ड नंबर 12 में जोड़ा गया है, तथा वार्ड नंबर 13 को बढ़ा दिया है, जो कि सरासर गलत है। उनका कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि रिजर्व वार्ड व अनुसूचित जाति के लोगों का विकास हो। इसी कड़ी में आज उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपायुक्त व EO से मांग करते हुए कहा कि जो एरिया दूसरे वार्डों में था उन्हें उसी वार्ड में शामिल किया जाए, तथा वार्ड नंबर 13 का एरिया वापस 13 में जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 13 जो पहले था उसे ज्यों का त्यों रखा जाए, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। DC साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे वार्ड नंबर जो पुराना वार्ड नंबर 13 था उसके वोट, पुराना वार्ड नंबर 13 उसके वोट काट करके वार्ड नंबर 12 में मिला दिए हैं, जो कि चुनाव पुराना वार्ड 13 नंबर के हिसाब से होना चाहिए। जो वार्डबंदी है ना, जो 10 साल में चुनाव 10 साल में होती है इसकी वार्डबंदी, इन्होंने पहले ही वार्डबंदी कर दिया, इसलिए हम जो हमारे 13 नंबर के वोट कट कर 12 नंबर वार्ड में गए हुए हैं। हम ये उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि हमारे वोट जो सभी वार्ड नंबर वार्ड में गए हुए हैं, जो SC वोट हैं, जो वार्ड नंबर 12 में गए हुए हैं, वो 13 नंबर में आना चाहिए। हमारी ये हम ये वार्डवासी ये DC साहब से मांग करते हैं, गलियां इधर उधर काट कर लगाई गई हैं वो वार्ड नंबर 13 में मिलाई जाएं। 13 में जोड़ दिया, वार्ड नंबर 13 को काट कर 12 नंबर में जोड़ दिया, जबकि वार्ड नंबर जो 14 है उसको काट करके छोटा कर दिया। हमारा वार्ड नंबर 13 रिजर्व होने के कारण कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने फायदे के लिए बहुत लंबा कर दिया। रिजर्व होने के कारण इसका ना तो विकास होगा, जो हमारे वार्ड नंबर 13 के नज़दीक लगता था वो वार्ड नंबर 12 में जोड़ दिया। हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे वार्ड नंबर 12 के जो वोट है, लक्ष्मीनगर का जो एरिया काटा गया 13 नंबर में, वो हमारा वार्ड नंबर 12 में जोड़ा गया है, वो वार्ड नंबर 13 में हमें वापस जोड़ा जाए। हम ये डिश साहब से मांग करते हैं। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अब ज्यादा तैयारियों के साथ जुट गया है। जहां एक तरफ CMO रघुवीर शांडिले द्वारा नई टीम्स का गठन किया गया, वहीं सामान्य अस्पताल परिसर में अलग से वार्ड भी बनाया गया। इसी के चलते CMO ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी ली।
डेंगू व मलेरिया के बढ़ते मरीजों को देखते हुए आज स्थानीय सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य द्वारा विभाग की दो नई टीमें गठित की गई हैं, जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्वयं जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लार्वा के सैंपल लिए जाएंगे तथा उसके पश्चात उन क्षेत्रों में फोगिंग भी करवाई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरों तथा आदि अन्य जगहों पर कई दिनों से इकट्ठा पानी जमा ना हो। इसी कड़ी में आपको बता दें कि डेंगू व मलेरिया के मरीजों के लिए अस्पताल में एक नया वार्ड भी स्थापित किया गया है। किसी भी पेशेंट को प्लेटलेट की एक फेरेसिस प्लाज्मा की जरूरत हो उसका भी प्रावधान किया हुआ है। हमारे पास 435 ब्लड यूनिट्स अवेलेबल हैं और सिंगल डोनर प्लाज्मा की भी हमारी सुविधा है। हमारे एक एम्पैनलमेंट कर रखा है जिसमें एफेरेसिस की भी सुविधा उपलब्ध है और हमें PGMS रोहतक जो है वहाँ का ब्लड बैंक से भी बात कर रखी है। अगर किसी को जरूरत पड़ी सिंगल डोनर प्लाज्मा की तो उसको हम एम्बुलेंस के द्वारा उसको अवेलेबल करवाएंगे। किसी भी मरीज से सरकारी संस्था में ना कोई टेस्ट के पैसे लिए जाते ना दाखिले के ना कोई प्लेटलेट के पैसे लिए जाते हैं। सभी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रेनी सीजन डेंगू की एक महामारी के रूप में दे रही है इसको हम अपना सभी का सहयोग से इसे ख़त्म कर सकते हैं। हर संडे को हम अपना 5 या 10 मिनट टाइम लगाएं कि जो उसके मच्छर की ब्रीडिंग प्लेस है जैसे कि गमले में खूब पानी रखा हुआ है, बाल्टी में रखा है, कसोरे में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, कूलर में रखा हुआ है, उसको पानी को ढेल करके उसको ड्राई करें। अगर हम आसपास के सभी जो ब्रीडिंग प्लेस को ड्राई करेंगे तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।